अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्ताद शबीर सिंधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद न्यूज़। व्यूअर्स, मोटरवे रेप केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 1 मिलियन का सवाल यह है कि उसे पुलिस ने पकड़ा है या उसने खुद गिरफ्तारी दी है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की पुलिस को तकरीबन 1 माह से मतलूब मोटरवे रेप केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही की गिरफ्तारी के ऐलान के बाद मकामी ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली चंद वीडियोज़ ने एक नुक्ते पर बहस छेड़ दी है। आया मुलजिम को पुलिस ने छापा मारकर गिरफ्तार किया है, उसने खुद गिरफ्तारी दी। मुलजिम आबिद मलही को 12 अक्टूबर को लाहौर के मुदाफाती इलाके मांगा मंडी से गिरफ्तार किया गया था और इब्तदाई तफ्तीश करने वाले पुलिस अफसरान के मुताबिक मुलजिम को पकड़ने में उस मोबाइल फ़ोन से मदद मिली जो उसने फैसलाबाद में अपने अलिया के भाई के घर से चोरी किया था। ताहम मुलजिम के वालिद की तरफ से मकामी ज़राए अबलाग पर नशर की जाने वाली एक वीडियो बयान जो उसने इस हवाले से तजाब पैदा कर दिया है। वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि मुलजिम आबिद मलही को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि वो खुद गिरफ्तारी के लिए पेश हुआ। अपने वीडियो बयान में उन्होंने उन्हें ये कहते सुना जा सकता है कि मेरे बेटे ने मुझसे, मैं आना चाहता हूँ, ये पुलिस वाले मुझे मारना चाहते हैं, तो मैंने कहा तुम आ जाओ। उसको हमने एक मकामी शख्स खालिद भट्ट के सामने पुलिस के हवाले किया। ताहम इस हवाले से पुलिस के एक आला अफसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर BBC को बताया कि यह दुरुस्त है कि मुलजिम के वालिद ने पुलिस को कॉल करके मुलजिम के घर आमद की इत्तला दी, लेकिन यह दुरुस्त नहीं कि वो खुद पुलिस के हवाले करना चाहता था। उनका कहना था कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने बताया कि अभी उसका खुद को पुलिस के हवाले करने का इरादा नहीं था, उसे पुलिस ने अपने ज़राए इस्तेमाल करके पकड़ा और उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस अफसर के मुताबिक एक मकाम पर ननकाना साहब के एक इलाके में जब उसकी मौजूदगी की इतला पर पुलिस ने उस जगह को घेरे में लिया तो मुलजिम अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए पास वाक़ कब्रिस्तान में छुप गया था और बाद अदा वहाँ से फरार हो गया। ताहम गुज़श्ता चंद रोज से मुलजिम बिल्कुल रूपोश हो चुका था। पुलिस के मुताबिक उसकी एक वजह यह थी कि मुलजिम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था और उसने अपने करीबी रिश्तेदारों और अजीज़ व अकारिब से राब्ता भी नहीं किया था। पुलिस के आला अफसर के मुताबिक उसको मालूम हो गया था कि उसकी गिरफ्तारी के लिए इश्तहार भी निकाला जा चुका है और इतला दहंदा के लिए इनाम भी रखा गया था। उसके करीबी अजीज़ों ने भी बार बार पुलिस को उसकी मौजूदगी की इतला दी थी। यही वजह थी कि वो रिश्तेदारों पर भरोसा भी नहीं कर रहा था और सफ़र करने के लिए भी अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहा था। उसने इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को बताया कि उसने कई मील पैदल सफ़र भी किया जिसकी वजह से उसके पैर भी ज़ख्मी हुए थे और वो कई रोज़ तक भूखा भी रहा और उसने भीख मांग कर भी खाना खाया। ताहम पुलिस के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी के लिए जो जाल फैलाया गया था उसमें इंतजार सिर्फ मुलजिम की तरफ से गलती करने का था। पंजाब पुलिस के एक आला अफसर ने BBC को बताया कि उसने ये गलती उस वक्त की जब उसने फैसलाबाद में रात को चोरों की तरह अपने साले के घर में घुसकर उसका मोबाइल फ़ोन चोरी किया। इन इकदाम के बाद पुलिस ये भी जानती थी कि मुलजिम के पास ज़्यादा दिन गुजारने के लिए काफ़ी रकम नहीं थी, वो अवामी अहकाम पर भी ज़्यादा देर नहीं रह सकता था और कहीं मुलाजमत वगैरह इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि उसका शनाख्ती कार्ड उसके पास नहीं था। पुलिस अफसर के मुताबिक हमें मालूम था कि इस तरह के मुलजिम इस तरह के हालात में ज़्यादा दिन नहीं गुजार सकते और उसने गलती ज़रूर करना थी। उसने जो गलती की वो बहुत बुनियादी नवीयत की थी जबकि अपनी तरफ से उसने बड़ी चालाकी की थी। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल न करने की वजह से ही मुलजिम इतने रोज बचा रहा था और जैसे ही उसने मोबाइल फ़ोन चोरी किया तो वो फ़ौरन रेडार पर आ गया, यानी यह पता लगाना आसान हो गया कि वो कहाँ मौजूद था और उसका रुख किस तरफ था। पुलिस अफसर के मुताबिक आबिद मलही रात के अंधेरे में फैसलाबाद में वाकई अपनी अलिया के भाई के घर के दीवार फलांग कर चोरों की तरह दाखिल हुआ और उसके सोते में मोबाइल फ़ोन चोरी करके फरार हो गया। पुलिस अफसर का कहना था कि वो इसलिए चोरी छुपे उसके घर में दाखिल हुआ कि उसे डर था कि अगर उसने अपने साले से बात की तो हो सकता है कि वो पुलिस को इत्तला देकर उसे पकड़वा दे। पुलिस अफसर के मुताबिक जब मुलजिम की अलिया के भाई को मोबाइल चोरी होने का इलम हुआ तो उसका शक आबिद मलही की जानब गया। उसने पुलिस को इमरजेंसी नंबर पर इतला दी। अफसर के मुताबिक इमरजेंसी कॉल लाहौर में कायम सेफ सिटी अथॉरिटी के कंट्रोल रूम में भी रजिस्टर होती है, वहाँ से हमने मोबाइल फ़ोन की मदद से उसकी लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया था। आबिद मलही ने उस मोबाइल फ़ोन के जरिए मांगा मंडी में अपने वालिद से रब्ता किया। पुलिस के मुताबिक उसके हालात इंतहाई ख़राब थे, उसके पास खाने पीने के पैसे भी ख़त्म हो चुके थे, वो घर जाना चाहता था। पुलिस अफसर के मुताबिक मुलजिम अगले रोज़ जब मांगा मंडी अपने घर पहुंचा तो उसके वालिद ने पुलिस की हिदायत के मुताबिक CIA पुलिस को इतला दे दी। ताहम उनका कहना था कि पुलिस उसकी लोकेशन से आगाह थी जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके CIA पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को भी दबा दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।